आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे? हाँ, आज मैं तुम सबको चित्रों के माध्यम से एक कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि कहानी में आने वाले कुछ शब्दों के मैं तुमसे अर्थ भी पूछूंगी और प्रश्नों के उत्तर भी। मैं तो तैयार हूँ। हम सब तैयार हैं। तो कहानी शुरू करें? हाँ। राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़। बहुत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जगह है ये, क्योंकि यहाँ पर रानी कर्मवती और रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाएं हुई हैं। आज मैं तुम्हें रानी कर्मवती की कथा सुनाती हूँ। राखी का पर्व आ गया था, पर रानी कर्मवती बहुत चिंतित थी। देखो बच्चों, रानी इसमें बहुत चिंतित दिखाई दे रही है ना? हाँ। जानते हो क्यों? हाँ, रानी कर्मवती पर कोई मुसीबत आई होगी। बिल्कुल ठीक, रानी कर्मवती पर मुसीबत ही आई थी। बहादुर शाह की सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। पर रानी कर्मवती इस सोच में थी कि चित्तौड़ को कैसे बचाया जाए। तभी रानी कर्मवती को एक उपाय सूझा। उसने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजने का फैसला किया। लेकिन उसके इस फैसले को सुनकर दरबारी चकित रह गए। पर क्यों? राखी भेजने में क्या हर्ज था? क्योंकि राणा सांगा और हुमायूं के पिता बाबर का युद्ध उन्हें आज भी याद था। ओ बेचारी रानी। पर रानी अडिग रही। उसने राखी भेजने का कार्य बाघ सिंह को सौंपा। शंशा, अभिवादन स्वीकार हो। आओ मेवाड़ के बहादुर। बाघ सिंह ने अपनी बात धीरे से हुमायूं के सामने रखी। शंशा, स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की पत्नी रानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। राखी को देखकर और पत्र को पढ़कर हुमायूं भाव विभोर हो गया। तभी सामने बैठा हिंदू बेग बोल पड़ा। कर्मवती ने कोई जादू का पिटारा भेजा है क्या शहंशाह आलम? हाँ हिंदू बेग, उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है। बाघ सिंह, बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं ने भले ही उनकी माता के पेट से जन्म ना लिया हो, पर वो उनके लिए सगे भाई के समान है। हिंदू बेग बोला, चित्तौड़ तो हुमायूं का दुश्मन है। जानते हो हुमायूं ने क्या उत्तर दिया? क्या? जो भारत का हर बच्चा देगा, बहन के लिए भाई प्राण भी देगा। शाबाश, हुमायूं ने कहा, अफसोस, तुम्हें राखी का मूल्य नहीं मालूम। राखी तो दुश्मनों को भी प्रेम के बंधन में बांध देती है। मैं रानी कर्मवती की मदद जरूर करूंगा। मैं दुनिया को दिखा देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रीति रिवाज मुसलमानों को भी उतने ही अधिक प्रिय हैं जितने कि हिंदुओं को। तब तो हुमायूं ने बहादुर शाह को जरूर हराया होगा। हुमायूं ने अपनी सेना को मेवाड़ की ओर कूच करने का आदेश दिया। भयंकर युद्ध हुआ। हुमायूं की सेना और मेवाड़ की सेना ने मिलकर बहादुर शाह की सेना को खदेड़ दिया। तो ये है राखी बांधने का महत्व। इसीलिए इसे रक्षा बंधन कहते हैं। इस धागे में तो भाई बहन का प्यार है और ये हमें सभी धर्मों से प्यार करना सिखाता है। शाबाश, बहुत अच्छा। अब तुम सब लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे? हाँ, देंगे। ठीक है, वाक्य था राखी का पर्व था। पर्व का क्या अर्थ है? चलो तुम बताओ। पर्व का अर्थ है त्योहार। बिल्कुल ठीक, पर्व का अर्थ है त्योहार। अब दूसरा प्रश्न, रानी कर्मवती बहुत चिंतित थी। चिंतित का क्या अर्थ है? चलो तुम बताओ। चिंतित का अर्थ है परेशानी। बिल्कुल ठीक, चिंतित का अर्थ है परेशानी। कूच करने का क्या अर्थ है? कूच करने का अर्थ है सेना लड़ाई के लिए चल पड़ी। शाबाश। अच्छा, रानी कर्मवती कौन थी? तो कर्मवती मेवाड़ की रानी थी। वह स्वर्गीय राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी। शाबाश। अच्छा, हुमायूं कौन था? हुमायूं दिल्ली का राजा था। हुमायूं बाबर का बेटा था। भाई प्रश्नों के उत्तर तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा बताओ, राखी भेजने का हुमायूं पर क्या असर हुआ? हुमायूं को जब राखी मिली तो खुशी से भावुक हो गया
और कर्णवती को अपनी बहन मानकर उसकी रक्षा करने का वादा किया और बहादुर शाह को खदेड़ दिया। क्योंकि राखी एक ऐसी चीज है जो भाई बहन के प्रेम को आपस में बांधती है और सभी धर्म इसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। अच्छा, क्या तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि जो कहानी मैंने तुम लोगों को सुनाई है उसका शीर्षक क्या होगा? राखी की लाज। बिल्कुल ठीक, इस कहानी का शीर्षक है राखी की लाज। अच्छा, अब तुम लोग के पास मैं देख रही हूँ राखी बनाने का सामान भी रखा है। चलो तुम लोग मुझे अच्छी अच्छी राखी बना के दिखाओगे? हाँ। चलो अच्छा, राखी बना के दिखाओ। दीदी, मेरी राखी बन गई। बन गई? अरे वाह, बहुत सुंदर राखी है भाई। दीदी, मेरी भी बन गई।